नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। विधानसभा क्षेत्र सदर में विधायक आशीष शर्मा ने वीरवार को बरूहा गांव में वाटर ओवरहेड टैंक का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यहां 40,000 लीटर क्षमता वाला 10 मीटर ऊंचा ओवरहेड पानी का टैंक बनाया जाएगा। इस टैंक के निर्माण पर 11 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस टैंक के बनने से 3 गांव बरूहा, सियानी और इंडस्ट्रियल एरिया के बाशिंदों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि 3 माह में यह टैंक जनता को समर्पित किया जाएगा। इससे पहले स्थानीय ग्रामीणों में विभागीय अधिकारियों ने विधायक का यह पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना कर टैंक निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता को गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर टैंकरों के माध्यम से सप्लाई किए जाएंगे और समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। विभागीय अधिकारी को भी पानी की समस्या के हल के उचित निर्देश दिए गए और 1 सप्ताह के भीतर अधिकारियों से बैठक आयोजित कर गर्मी में पानी की उचित सप्लाई के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता रमन शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे हमने भूमि पूजन किया है। जल शक्ति विभाग द्वारा यहाँ पे करीब 40,000 लीटर का टैंक बनाया जाएगा, जिससे कि ब्रोहा का नीचे वाला ब्रोहा और जो ऊपर वाला गांव है उसको फीड किया जाएगा, ताकि पानी की समस्या का जो है वो हल परमानेंट निकाला जाए। तो ओवरहेड टैंक की यहाँ पे भूमि पूजन आज की गई है। कितनी लागत है लगभग? और लगभग इसके ऊपर 11-1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा और करीब 3-1 महीने में ये टैंक बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, हमीरपुर में लगभग जितने भी गांव हैं, कुछ गांव में काफ़ी समस्या है पानी की, जैसे उखली पंचायत है, अमनेड है और कई जगह कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल भी रही है, और जहां पे नहीं है वहां पे प्रबंध भी किया जाएगा। विभाग से भी मीटिंगें जारी हैं और विभाग से मैंने इसी हफ्ते मीटिंग मतलब नेक्स्ट वीक में मीटिंग भी करनी है, ताकि कहीं भी कोई समस्या पानी की होती है वहाँ पे पानी का प्रबंध किया जाए। अगर पानी की व्यवस्था टैंक से ना भी होगी तब भी चाहे वो जो टैंकर हैं हमारे उनसे भी पानी पूरा किया जाएगा, लेकिन कहीं भी पानी की समस्या को नहीं आने दिया जाएगा। इसके बारे में तो पुलिस ही आपको जानकारी देगी, मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक, धन्यवाद।